देखिए, मैं अभी तक 7 राज्यों का भ्रमण कर चुका हूं, जिसमें नेपाल और काठमांडू भी शामिल है, और 8300 किलोमीटर का सफर तय कर चुका हूं। और जो मेरा उद्देश्य है, जो मिशन है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि धरती के ऊपर जितना भी सोर्सेज है वो सब हमारी धरोहर है, और उस घर को बचा के रखना है, चाहे वो जल है, पेड़ है, पशु पक्षी हैं या जानवर हैं, उन सभी की जो संरक्षण है वो जरूरी है, और इसी मिशन को लेकर के इस यात्रा पर। विशेष करके आपने जल को प्रायोरिटी दिया है। जल महत्वपूर्ण है, जल के बिना कुछ भी नहीं होता। कितने किलोमीटर आप घूम चुके हैं? मैं लगभग 8300। कितना स्टेट? 7 स्टेट, और उसके साथ नेपाल और काठमांडू अलग। क्या लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अभी पूरा भारत बाकी है, अभी कहेंगे तो 30-35% भारत हुआ है। पूरा भारत भ्रमण तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक जाऊं, ग्रामीण क्षेत्र में जाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल और पर्यावरण बचाने का संदेश दे सकूं। ये साइकिल में घूम रहे, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुआ, ये सब प्रकृति का, धरती माता का आशीर्वाद है, और मुझे अभी तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर बात करें साइकिल की, तो सर साइकिल की अभी हवा ही नहीं निकली। तो आप साइकिल में आगे तक भी जाएंगे? हाँ, अभी 12 या 13 स्टेट में और जाऊंगा, जिसमें लगभग 6 महीना। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को तो जल को संरक्षित करो। हाँ, जल का प्रबंधन करो, जल उतना ही प्रयोग करो, अगर टेप नहीं है तो वो टेप लगाएं, और लोगों को, मैंने गाँव में गया तो ये उम्मीद रहता है कि सरकार करेगी। देखिए, हर काम सरकार नहीं पहुँच पाती, पानी तो खराब हो ही रहा है, तो 10 या 20 रुपए का अगर टेप है तो उसमें सरकार का कोई जरूरी नहीं, हर आदमी लगा सकता है। आप क्षेत्र पुरी में आए हैं, तो पुरी का रिस्पॉन्ड क्या है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर? यहाँ पे देखिए, उड़ीसा पूरा मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, जल का जो भूजल स्तर है वो भी यहाँ ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कैच द रेन, कि पानी का जो है ना वो धरती को मिलना चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना चाहिए, तो यहाँ पानी ठीक है, पर्यावरण ठीक है, और यहाँ पे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। लायंस क्लब के लोग हैं, लायंस क्लब पूरी है, क्योंकि मैं लायंस क्लब सिरसा आस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो लायंस के बैनर तले ये मेरी यात्रा जो है ये चल रही है, और लायंस मुझे पूरा सहयोग भी कर रहे हैं।